स्टोरी ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इन हिंदी। हे टीएमसी आर्मी, दिस इज अर्श द होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी। या गाइस, उससे पहले गाइस स्टोरी बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, मेरा एक और चैनल है जो मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है जिसका नाम है टीएमसी शॉर्ट्स ऑफिशियल। तो प्लीज़ जाओ एंड आज मैं इसमें 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। न्यू चैनल है, इस पर शॉर्ट्स वीडियो आया करेंगी, ठीक है ना। सो काफ़ी वीडियोज आया करेंगे इसमें, डेली वीडियो, तो जाओ एंड सब्सक्राइब कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइस मेरे एक फ्रेंड का चैनल है, यानी मेरे भाई का चैनल है जिसका नाम है यादववंशी टेक्निकल, 100K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। तो जाओ एंड सब्सक्राइब करो यादववंशी टेक्निकल चैनल ऑन यूट्यूब, इसी महीने 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो इसके, जल्दी जाओ यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यादववंशी टेक्निकल चैनल ऑन यूट्यूब, जल्दी से जाओ। नाउ गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इस गेम की स्टोरी के बारे में। गाइज स्टोरी कुछ इस तरीके से है, एक फैमिली में एक लड़का रहा करता था जो कि आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो शुरू से ही बचपन से ही आर्मी में जाना चाहता था, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो उस चीज में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। बिकॉज स्कूल, वो जब स्कूल एंड ट्यूशन जब जाया करता था तो उस चीज़ की होती थी उस टाइम पर फीस, अब भी फीस होती है, उस टाइम पर नहीं, अब भी फीस होती है। तो उसके पेरेंट्स यहाँ तक नहीं कमाते थे कि उसकी स्कूल की भी एंड ट्यूशन की भी फीस दे सके। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करता था, वो सुबह सुबह जा करके अखबार बेचने का भी काम किया करता था। तो धीरे धीरे करके उसने गाइस अपने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, उसकी मम्मी ने पैसे इकट्ठे किए एंड उसको ये ट्रेनिंग दिलवाई कि वो आर्मी में जा सके। लाइक आप लोगों को पता है आर्मी में जाने के लिए कितना फिजिकल निकाला जाता है एंड क्या क्या एग्ज़ाम्स निकाले जाते हैं आर्मी में जाने के लिए, एंड वो उसने किया। एंड गाइस उसका जो मन था वो इतना ज़्यादा था आर्मी में जाने का कि ट्रेनिंग वाले जो सर थे वो भी उसको कहा करते थे कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन गाइस धीरे धीरे करके जहाँ पर वो जाया करता था उसी ट्यूशन के आसपास कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि उसको देखते थे कि ये बच्चा है और इस बच्चे को अगर हम सिखाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा सीख सकता है। लाइक वो इंडिया के नहीं थे, ठीक है ना, जैसे कि कहते हैं ना आतंकवादी, तो वो कुछ उसी टाइप से थे। तो उसने क्या किया गाइस, जब वो बच्चा ट्यूशन से अपने घर पर आता था तो वो उस बच्चे से बात करते थे और वो सो कहते थे उसको कि तुम आर्मी में जाके क्या करोगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, बिल्कुल आर्मी जैसा काम है और तुम्हें हम आर्मी में भी भेज देंगे। तो वो बच्चा धीरे धीरे करके उन लोगों की बातों में आने लग गया और एक दिन अपने घर से भाग गया। और गाइस धीरे धीरे करके उस बच्चे को उसने आतंकवादी बना दिया था, यानी कि टेररिस्ट बना दिया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर उसका बच्चा कहाँ गया। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई एंड काफ़ी महीनों बाद उसको उसका जाके बच्चे का पता चला कि वो बच्चा यहाँ पर रह रहा है। उस जगह पे रेड डाली गई एंड ये देखा गया कि वहाँ पे 2-3 आतंकवादी छुपे हुए थे उस बच्चे को लेकर के, जो कि बच्चे को गन्स को चलाना सिखा रहे थे। लेकिन गाइस वो बच्चा अब इतना पागल हो चुका था उस चीज़ में, क्योंकि बच्चे को गन वन मिल गई थी देखने को और वो ये नहीं चाहता था कि वो इस चीज़ से दूर जाए। एंड फाइनली कैसे ना कैसे करके उस बच्चे को उस गन के से और उन लोगों से दूर ले जाया गया और वो जो फैमिली थी उन लोगों ने वो शहर छोड़ दिया और वो दूसरे शहर में रहना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। एंड देन उसको अपने सामने एक अच्छे टीचर के साथ अच्छे बॉडीगार्ड रखवा के उसको ट्रेनिंग दिलवाई आर्मी की। एंड देन जैसे जैसे समय बीता वो लड़का आर्मी में चला गया एंड उसको अपनी गलती का देन एहसास हुआ कि वो किस जगह पे फंस चुका था अपने बचपन में। लाइक जब वो छोटा था 14-15 साल का, तो वो किस जगह पे फंस गया था जहाँ पे उसके पेरेंट्स भी काफ़ी शर्मिंदा हुए थे, यानी कि देशद्रोही जिसको बोला जाता है, वो वहाँ पर जाके फंस गया था। लेकिन अब फाइनली वो बच्चा आर्मी में जा चुका है। गाइस कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ मेहनत और लगन के साथ की जाए तो पूरी की पूरी दुनिया भी अगर चाहे तो उस चीज़ को तुम लोगों से अलग नहीं कर सकती। तो गाइस मैं अभी ऐसे कहता हूँ, जो भी आप लोगों को, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप यूट्यूब चैनल आपने कैसे ग्रो किया कैसे नहीं, गाइस मेहनत करो, डेली वीडियोस डालो, प्यार और लगन के साथ मेहनत करो, पूरा टाइम दो अपना यूट्यूब को और फिर देन देखो
कि कैसे आप लोगों का चैनल ग्रो होता है। तो भाई मेरा भी चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा चैनल ग्रो है, मेरा चैनल ग्रो नहीं है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। मुझे मिलियन का टारगेट है, मेरा फर्स्ट टारगेट मिलियन, मेरा फर्स्ट टारगेट 100K का था, एंड मेरा जो सेकेंड टारगेट है वो है मिलियन सब्सक्राइबर्स का, यानी कि गोल्डन प्ले बटन। सो अपनी TMC आर्मी का गोल्डन प्ले बटन भी मेरे को देखना है। तो बस यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। देन ये वाली गेम COD बनाई गई है, और COD कुछ अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा है लाइक फ्री फायर, PUBG और ये सारी गेम्स को ट्रेंड ज़्यादा दिया जा रहा है, इसीलिए COD गेम को इस तरीके से मेंटेन किया गया कि वो COD मोबाइल जो है PUBG की तरह ही लगे, ठीक है ना। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड COD मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इसी तरीके से सीन होता है। सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गाइज मैं यहाँ से आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।